कट्टी में स्वास्थ्य सेवा मितानिन सेवा सम्मान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सकती जिले का वादा किया था और उसे पूरा भी किया है, जिसके बाद इस क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी कार्य भी किए गए हैं। विधायक जो है बहुत होने के बाद पकड़ने पर आया है। हाँ। यहाँ सभी जो है ऑफिसे खुल गई हैं, सभी अधिकारी यहाँ आ गए हैं और मैं माननीय डॉक्टर चरणदास जी महंत शक्ति विधायक को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने चुनाव में कहा था जिले की सौगात मिलेगी और उन्होंने वो पूरी की। लेकिन दोनों का अपेक्षित समय जिले को नहीं मिल पा रहा है, सांसद महोदय का भी और विधानसभा अध्यक्ष महोदय का भी नहीं। कहा है हमारे विधायक जो है बहुत बड़े पद पर आसीन हो गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, इस कारण जो है थोड़ा सा कम समय दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा अपेक्षा से बहुत अधिक समय वो क्षेत्र की जनता के लिए निकाल रहे हैं और हम सत सत उनके मार्गदर्शन में काम करते आ रहे हैं। मितानिनों का सम्मान तो हुआ लेकिन उनकी मांगे जो है वो अधूरी रह गई, वो बता नहीं पाए कि वो क्या चाहते हैं। मितानिन की कुछ मांगे तो पूरी की गई है और अभी उनको सम्मान राशि दी गई है और आने वाले समय में उनकी जो मांगे और हैं उन्हें भी पूरा करने का हमारे महोदय के द्वारा पूर्ण प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा बहुत ही कमजोर है आपके जिले की। स्वास्थ्य सेवा पहले बहुत कमजोर थी लेकिन अभी स्वास्थ्य सेवा में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। अभी आप कुछ दिन पहले यहाँ ऑपरेशन करके जुड़वा बच्चे पैदा किए गए और पहले यहाँ जो है वास्तव में आपका सवाल बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहले बहुत पुअर थी लेकिन हमारी कलेक्टर महोदया और माननीय सांसद महोदया और हमारे विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भरसक प्रयास किया जा रहा है और हमें काफ़ी सफलता मिल रही है और यहाँ अब जो है सभी ट्रीटमेंट उपलब्ध हो जाए। लोगों का कहना है कि मात्र 3 विधायक ही जीत सकते हैं आगामी चुनाव में, ऐसा क्यों? हमारे शक्ति विधानसभा और आसपास की जहांगीर लोकसभा क्षेत्र में कितनी सीटें हैं? जहांगीर लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें हैं जी, और जिसमें अब हमारे मुख्यमंत्री ने जो कर गुजरा है यहाँ जनता की सेवा की है और किसानों के लिए जो चारा खोल दिया है उससे अब हम 6 की 6 विधानसभा कांग्रेस की झोली में डाले। 20 क्विंटल धान खरीदी का क्या असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर करेगा। लोगों पे जो समस्या थी, लोगों को जो थोड़ी बहुत परेशानी आती थी कि भाई हमारे यहाँ 20 क्विंटल हो रहा है और 15 क्विंटल लिया जा रहा है, समस्या थी, परेशानी थी, वो परेशानी अब दूर हो जाएगी। आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। आज का कार्यक्रम बहुत ही उल्लेखनीय कार्यक्रम रहा है। सबसे पहले तो आज हमारे यहाँ हाउसिंग बोर्ड का संभागीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जिले के लिए। संभागीय कार्यालय खुला है यहाँ और आज मितानिनों को जो शिक्षा अनुदान राशि बांटी गई है वह भी बहुत अच्छी उल्लेखनीय पहल है।